नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही न्यूज चैनल ट्रस्टेड न्यूज में। दोस्तों, लेट होने वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। अब जुलाई से राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन से होगी हाजिरी और आंठों कालांशों में दर्ज होगी उपस्थिति। दोस्तों, राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से करने की कवायद शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग में बड़े फेरबदल के बाद अध्यापकों की उपस्थिति को भी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस बाबत सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं तथा उच्च स्तर पर प्रथम चरण में 3.2 लाख मशीनों का ऑर्डर HT इंफोसिस ग्रुप को दिया गया है। राज्य की सभी राप्रावी, राउप्रावी, रामावी, राउमावी विद्यालय में प्रधानाध्यापक कक्ष में बायोमेट्रिक मशीन स्थापित की जाएगी। इसके तहत एक बार विद्यालय में आने के लिए स्विच पर अंगूठा देना होगा, दूसरी बार विद्यालय छुट्टी के बाद जाते समय स्विच दबाना होगा, बाकी आठों कालांशों में 8 बार स्विच दबाकर फिंगरप्रिंट देना होगा। किसी फिंगरप्रिंट विशेष को ही मशीनी रीड करेगी, अर्थात एक अध्यापक की हाजिरी दूसरे अध्यापक द्वारा दर्ज नहीं की जा सकेगी। जैसे ही अध्यापक बायोमेट्रिक मशीन में स्विच दबाएगा तो उसकी उपस्थिति मशीन में दर्ज होने के साथ PEO के सव पर भी दर्ज हो जाएगी। यही उपस्थिति जिला मुख्यालय पर लगे इंटरजन सव द्वारा भी दर्ज की जाएगी, जो DEO कार्यालय में प्रतिस्थापित होगा। माह के अंतिम दिवस पर PEO को सव द्वारा सभी अध्यापकों की उपस्थिति की हाईकॉपी निकालनी होगी, जिसे प्रमाणित करके DEO कार्यालय भेजनी होगी, जहां पर दिवसवार उपस्थिति का मिलान किया जाएगा। इसी प्रमाणित हॉर्ड कॉपी के जरिए PEO द्वारा माह विशेष का वेतन बनाया जाएगा। यदि बायोमेट्रिक द्वारा अध्यापक की उपस्थिति विलंब से दर्ज होती है तो नियमानुसार कार्यवाही द्वारा ही अध्यापकों का वेतन बनाया सकेगा। यह मशीन पूरी तरह से नेट आधारित मैकेनिज्म है। एक मशीन में करीब 265 अध्यापकों की उपस्थिति अलने की क्षमता है। इस मशीन का निर्माण शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुआ है। इसमें आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश तथा प्रसूति जैसे अवकाशों को समावेशित करने की क्षमता है। हाई टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित मशीन में लगा सेंसर किसी भी तकनीकी खराबी या छेड़छाड़ को इंगित करेगा, जिसकी सूचना PEO DEO के साथ निदेशालय तक पहुँच सकेगी। यह मशीन एक बार चार्ज होने के बाद 15 दिन तक बैकअप देगी। इसके अलावा इसमें बैटरी भी लगी है। मशीन का रखरखाव उक्त कंपनी के इंजीनियरों द्वारा वर्ष में 3 बार किया जाएगा।